Subscribe the channel and press the bell icon to get instant updates of my latest videos. गाइज, आपने AI कैमरा, AI सेल्फी, AI मोड, ये वर्ड तो आपने बहुत जगह सुना होगा. बहुत सारे कैमराज में आपने ये वर्ड सुना होगा. इनफैक्ट अभी जो रिसेंट में जो मोबाइल फ़ोन लॉन्च हुए उनमें भी यह फीचर है. तो ये क्या होता है, ये हमारे फ़ोन से नॉर्मल जो कैमरा होते हैं उससे इसमें क्या अंतर होता है और ये क्या अलग है इनमें, तो मैं आज इस वीडियो में आपको इन्हीं सब के बारे में बताने वाला हूँ कि AI कैमरा क्या होता है और ये हमारे नॉर्मल फ़ोन से इसमें क्या अलग फीचर होता है. तो हेलो गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट अक्षय. वेलकम टू माय चैनल. सबसे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए. तो इससे पहले कि मैं बात करूँ AI कैमरास, सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत होती है कि AI क्या होता है. अगर मैं AI को दो पार्ट में ब्रेक करूँ तो उसका मतलब अगर मैं AI को दो पार्ट में ब्रेक करूँ तो निकल के आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट. इंटेलिजेंट मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं ह्यूमंस का एग्जाम्पल लूँ तो हम कैसे सोचते हैं, हम किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में पहले सोचते हैं, फिर उस काम को करते हैं, उसके प्लस माइनस दोनों देखते हैं, फिर उस काम को करते हैं. सेम ऐसा ही मशीन के साथ होता है. मशीन किसी भी काम को करने से पहले अपनी खुद की इंटेलिजेंस को यूज़ करके उस काम को करती है तो उसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और अगर वो कोई काम परफॉर्म करती है तो उस काम के हो जाने के बाद वो उसे एज अ मेमोरी में सेव कर लेती है और आगे उसे फीडबैक के रूप में इस्तेमाल करती है. तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट. अगर इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को हम कैमरे में इस्तेमाल करें तो उसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कैमरा, मतलब कैमरे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़. तो अभी जो कुछ फ़ोन्स मार्केट में रिसेंटली लॉन्च हुए हैं उनमें ये फ़ीचर आपको देखने में मिला होगा कि आर्टिफिशियल कैमरा, आर्टिफिशियल सेल्फी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कैमरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सेल्फीज. तो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मैं नॉर्मल एग्जांपल लूँ, अगर हम किसी नॉर्मल फ़ोन से फ़ोटो खींचते तो वो फ़ोटो इतनी एग्जैक्ट नहीं होती, इतनी परफेक्ट नहीं होती. उसकी जो प्रोसेसिंग रहती है वो बहुत कम रहती है और लिमिटेड रहती है. बट अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अगर किसी फ़ोटो को कैप्चर करूँगा तो वो जो फ़ोटो रहेगी उसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट रहेंगे, एडिटिंग रहेगी, फ़िल्टर्स रहेगा. मतलब जो काम हम एक नॉर्मल फ़ोटो को प्रोफेशनल फ़ोटो बनाने के लिए जो काम हम फ़ोटोशॉप से करते हैं, फॉर एग्जांपल बहुत सारे सॉफ्टवेयर है मार्केट में अवेलेबल है जिनकी हेल्प से हम हमारी फ़ोटो को एनहेंस करते हैं, तो वही सब जो काम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम ऑटोमेटिक कर सकते हैं. मतलब अगर मैं कोई सी फ़ोटो एक सेल्फ़ी खींचूँगा तो सेल्फ़ी खींचने समय जो फ़ोटो प्रोसेस होगी उस प्रोसेस के अंदर जो आपका मोबाइल का कैमरा रहेगा वो एनहेंस करेगा उस फ़ोटो को और इस तरीके से करेगा कि वो प्रोफेशनल दिखे और वो अपने हिसाब से उस फ़ोटो के अंदर अब फिल्टर यूज़ करेगा, ब्लर कितना रखना है ये यूज़ करेगा और कौन सा इफेक्ट रखना है. डे में फ़ोटो खिंची जा रही है, नाइट में खिंची जा रही है, नाइट मोड ऑन करना है, डे मोड ऑन करना है, ये सब जो बातें हैं ये आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लेगा और ऑटोमेटिकली ये सब फीचर आपके फ़ोन के कैमरे में डाल देगा. तो इस तरीके से जो फ़ोटो खिंचाएगी और फ़ोटो जो निकलेगी प्रोसेस होके वो एग्जैक्ट निकलेगी एक प्रोफेशनल फ़ोटो के कंपेयर में. तो आपको कोई बाद में इसको फ़ोटोशॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जो फ़ोटो आपकी निकलेगी वो एकदम एग्जैक्ट प्रोफेशनल खींची हुई निकलेगी. तो ये जो कॉन्सेप्ट रहता है, ये जो काम रहता है, ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कैमरे के थ्रू होता है. तो ये जो मेन जो फीचर था मैंने आपको बता दिया कि क्या काम करता है. और ये आप इसमें आपकी वॉइस कमांड्स भी यूज़ कर सकते हो. वॉइस कमांड यूज़ करके आप आपके कैमरास को कंट्रोल कर सकते हो, नाइट मोड ऑन और नाइट मोड ऑफ करना, ये सब जो छोटे मोटे काम है वो आप इसके AI सेल्फी के AI के से कर सकते हो. तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द AI सेल्फी कैमरास. तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. इससे आपको कुछ बेसिक आइडिया तो पता चल ही गया होगा कि ये एग्जैक्ट जो AI सेल्फी क्या होती है, AI कैमरास क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं. तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग.